बेरोजगारी और गुर्बत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बेरोजगारी गुर्बत की समस्या देश के लिए एक चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में भारत सरकार और कुछ निजी संस्थाएं इन चैलेंजों से आंखें मिला रही हैं और इसके हल के लिए संघर्ष भी कर रही हैं। इन्हीं में एक नाम MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया भी है, जो हमारा संकल्प आपका साथ रोजगार हो हर घर हर हाथ के नारों के साथ काम कर रही है। पश्चिम बंगाल का जिला नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत न्यू टाउन के एक होटल में 19 दिसंबर के रोज MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया के द्वारा एक इनोग्रेशन एंड प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कोलकाता में MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया के द्वारा हो रहे इस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम का उद्घाटन MSME PCI के पदाधिकारियों के हाथों दीप जलाकर किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि पश्चिम बंगाल में लोगों को MSME PCI के कामों से जागरूक कराते हुए उन्हें MSME PCI से जोड़ा जाए, ताकि छोटे और बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करने वाले युवा MSME PCI के प्रोजेक्ट से लाभ उठा सके। ये MSME जो है, तो MSME के लिए एक MSME PCI रखा गया है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसको प्रमोट करने के लिए जो MSME मंत्रालय, उसकी सारी योजनाएं और भारत देश की सारी योजनाएं, चाहे वो राज्य की हों चाहे वो भारत सरकार की हों, सारी योजनाएं हम दिल्ली की जनता, भारत देश की जनता को और बंगाल की जनता को हम उनको अवेयरनेस करें, हम उनकी गरीबी को हम दूर करें, चाहे वो हम नौकरी दिला करके करें, चाहे हम उनको फाइनेंस से मजबूत करें रोज़गार के लिए। तो MSME की जो जितनी भी योजनाएं हैं, और ख़ास तौर से उसमें लोन के लिए है कि लोन मिलता है, सब्सिडी पर मिलता है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में 15% की सब्सिडी है, और ग्रामीण की बात करें तो 35% सब्सिडी है, कि जो कोई गरीब अगर काम करना शुरू करता है तो उसका हौसला अफजाई करने के लिए उसको सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन जो SC OBC और दिव्यांग लोग, माइनॉरिटी का अगर सर्टिफिकेट पे होता है तो 10% एक्स्ट्रा उनको सब्सिडी मिल रही है रोजगार करने के लिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, विश्वकर्मा योजना है जिसमें भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली उन गरीबों के लिए, उन जो कम पढ़े लिखों के लिए जिनको हुनर आता है और वो बेकार टहल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस करके हम 15 दिन का कोर्स करा के और उनको हम लोन प्रोवाइड करें और उनको हम नौकरी दिलाने का काम करें। तो ये MSME PCI जो हमारे विजय कुमार जी जो हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं, पूरे भारत देश को वो आप देख रहे हैं, और पूरा संगठन बड़े लंबे टाइम से MSME PCI जो है वो अपना काम कर रहा है, और ख़ास तौर से MSME की जितनी भी योजनाएं हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, जो लोन देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, तो उसका हम काम कर रहे हैं। और ये जो लोन है 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक का लोन है, और 2 करोड़ तक तो इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं ली जाती है। जैसे बैंकिंग के लोग हैं, बैंक वाले परेशान करते हैं और जनता को बड़ा सता रखा है कि अगर कोई गरीब जो है वो अगर बैंक जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों आया है, तो उनको सारी फाइलें हम कंप्लीट कराएंगे। MSME PCI जो है वो सारी फाइलें कंप्लीट करा करके और बैंक से भी पास करवाएं और सब्सिडी भी हम दिला करके और उनको लोन दिलाने का हम काम कर रहे हैं। हमारे जो MSME PCI के चेयरमैन हैं मिस्टर विजय कुमार, उनके मार्गदर्शन में हम लोग का पूरा ऑल इंडिया में टीम है। हम बिहार के चेयरमैन हैं, यहाँ के चेयरमैन मिस्टर दीपक गांगुली जी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनके सहयोग से यहाँ जो टीम बन रहा है पूरा बंगाल में, हर ब्लॉक स्तर में, हर मंडल छोटा गांव तक एक जो लड़के होंगे लड़कियां होंगे सब जुड़ेंगे, और वो छोटा गृह उद्योग जो होंगे, लघु मिडिल क्लास उद्योग, उनके लिए क्या है कि बैंक से हम लोग मिलके एक पूल की तरह बैंक से लाइजन करके उनको हम लोग लोन दिलवाएंगे और बोलेंगे उद्योग खोलिए, उसका सब्सिडी अनुदान जो सरकार देती है सरकार देगी, और उनको पूरा सपोर्ट हम लोग MSME करेंगे कि बहुत लोग पास पैसा नहीं होता है लेकिन उद्योग कैसे लगाना है, तो हम लोग उद्योग एक छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर CA के पास नहीं जाते हैं, CA पास सबके बहुत पैसा नहीं होता जाने के लिए, फिर हम लोग MSME बैंक से ऊपर दिल्ली से बड़े बड़े बैंक डायरेक्टर चेयरमैन PNB SBI जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमारे भाई बंधु इनको हेल्प करो, तो उनको लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो अगर जान पहचान नहीं होता है तो जूते घिस जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, लेकिन लोन नहीं। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि अपने देश के युवाओं को मजबूत करना, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना, अपने स्टेट को मजबूत करना, यही हमारा मेन टारगेट है। मेन चीज़ बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो आज हम 5 ट्रिलियन नहीं, पता नहीं कितने ट्रिलियन आगे हो जाएंगे हम। गवर्नमेंट हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रही है,
हमें एमएसएमई डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे सारी बैंकें सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, जितनी लीडिंग पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं सारे बैंक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके डीजीएम से लेके जीएम से लेके ईडी से लेके डायरेक्टर लेवल तक के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हम एमएसएमई पीसीआई के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। एमएसएमई पीसीआई इज अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म, वी हैव अ मेंबरशिप प्रोग्राम, वी डू सच ड्राइव्स एवरीवेयर, मैंने इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट इन साउथ वी हैव बीन इन अ वेरी इफेक्टिव मोड। आज के मोर देन 50,000 मेंबर्स आर देयर इन डिफरेंट 18 स्टेट्स, आवर पेनिट्रेशन इज देयर एंड इन ये मेम्बरशिप हे ये हमारे मध्य वो मेम्बरशिप एक फ्री मेम्बरशिप थे सेटर मध्य उई गिव द इंडक्शन ट्रेनिंग तरह वोटर मध्य लेवल्स आसे द लेवल्स विच एवर लेवल इज दैट लाइक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑल दोज लेवल्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम the qualification and all the understanding পশ্চিমবঙ্গে ইন্টিগ্রেশন পাশাপাশি প্রজেক্ট লঞ্চিং আজকের ভারতবর্ষে এত বড় একটা প্রজেক্ট এমএসএমই এমএসএমই নামটা অনেকেই সবাই শুনেছে বাট এমএসএমই খায় না মাথায় দেয় কী করে ইমপ্লিমেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের কারোর কোনো নলেজ ম্যাক্সিমাম লোকের নেই অধিকাংশ লোকের নেই যে কারণে আজকে এমএসএমইর পুরো কথাটা কি মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস মানুষকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয় না ডিউ টু ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস আমরা মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করব আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্টেট লেভেল ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল এবং ভিলেজ লেভেল অবধি পৌঁছে যাব মানুষের কাছে যারা পিছিয়ে আছে তাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলবে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য আচ্ছা আমাদের আপনাদের বলে দিই আপনারা আজকে যেখানে এসছেন সেটা হচ্ছে আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন ইনিগ্রেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট লঞ্চিং আমরা আপাতত যে অফিসটা করেছি আমাদের অ্যাড্রেসের জন্য আমাদের তুলে ধরা হচ্ছে এটা হচ্ছে রয় মল্লিক রোড দমদম নিয়ার দমদম স্টেশন রিলায়েন্স ট্রেন্ডের পাশেই ওখানটা আমাদের হোল্ডিং নাম্বার 62 60/2/1 কলকাতা 30 ওখানে আপনারা আমাদের পাবেন এবং আমরা প্রেস মিট করে এবং নিউজে আমাদের যে স্টেট লেভেলে যে আমাদের রিজিওনাল অফিসটা করব আপনাদের প্রেসকে অতি শীঘ্রই জানিয়ে দেব পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে মহিলারা নিপীড়িত শোষিত লাঞ্ছিত সেখানে আমরা যদি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পারি তাহলে মানে একটা পুরো জাতি বেড়ে উঠবে ঠিকঠাক আর বাঙালি কখনোই পিছিয়ে নেই বাঙালির থেকেই কিন্তু আজকে ব্যবসা শিখেছে আজকে আমাদের এখান থেকেই রসগোল্লা তৈরি হয়েছে উড়িষ্যা বলছে আমার অমুক বলছে আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাংলা থেকে অনেক কিছু উদ্ভাবন সম্ভব বাঙালির ব্রেন সবসময় বেশি কাজ করে আমরা বাঙালিদের হয়তো আমরা নিজেরা বাঙালি আমরা গর্ব করে বলছি তা নয় কিন্তু বাংলা যা আজকে ভাবে বিশ্ব অনেক দিন পরে ভাবে সেটা আশাবাদী আপনারা আমরা আশাবাদী 100% আশাবাদী।